पुलिस के हाथ उस समय बड़ी सफलता लगी जब उसने दो शातिर बाइक चोरों को पकड़ा। अब तक पुलिस ने इसके पास से चोरी की 6 बाइक बरामद की है। पुलिस को उम्मीद है कि इससे और भी चोरी की घटनाओं के सुराग मिल सकते हैं। चंपावत जनपद की टनकपुर कोतवाली पुलिस ने शारदा बैराज रोड पर चेकिंग के दौरान टनकपुर निवासी दो चोरों मोहम्मद आसिफ अंसारी और अमन कुमार को चोरी की दो मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया। दोनों मोटरसाइकिल पर लगाई गई रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट को चेक करने पर चोरी का खुलासा हुआ। दोनों अभियुक्तों से गहन पूछताछ के बाद पुलिस की टीम ने आरोपियों द्वारा जंगल में सुनसान पड़े खंडर में छुपाकर रखी गई 4 अन्य मोटरसाइकिल भी बरामद की, जिसमें से 2 मोटरसाइकिलों की चोरी का मामला खटीमा कोतवाली में पंजीकृत होना पाया गया। अन्य 2 मोटरसाइकिल की छानबीन की जा रही है। पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने बताया ये खटीमा से बाइक चोरी कर नेपाल ले जाकर ऊंचे दामों पर बेचने की फिराक में थे। बाइकें थी नंबर प्लेट उसकी फर्जी लगी हुई थी, जो हमने उसके ऐप के थ्रू चेक किया तो नंबर किसी और गाड़ियों के थे। उस आधार पर पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये जो बाइकें हैं वो चोरी की हैं। उसके बाद से उनको फिर चोरी की बाइकें रखने के तहत उनको गिरफ्तार करके थाने में भी लेके आए थे। और जब यहाँ पर और पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि सर हम प्रोफेशनल चोरी करते हैं बाइकों की, और उनके द्वारा बताया गया कि 4 और बाइकें हैं जो उनके द्वारा चोरी करके थाने के जंगल में छिपाई गई। उनके रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।